नमस्कार दोस्तों सबसे पहले स्वागत है आपका आई एस पे धरिमोहन इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज आज जितने मेरे मेरे स्टूडेंट्स जो को क्लासेस में ज्वाइन ज्वाइन करते है, करते हैं हैं ऑनलाइन और लाइव वीडियोस के अंदर मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स देखते हैं उनकी बहुत जबरदस्त डिमांड थी कि आदि सर जो है वो किसी टाइम चैनल पर बुलाइए और वो बहुत सारे उनसे इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछिए तो आज स्वागत है आदि सर का हमारे चैनल के ऊपर सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने बहुत जबरदस्त बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला तो सर एक्चुअली हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंडिया चाइना रेस टू बिकम सुपर पावर एंड द रोल ऑफ अमेरिका यूरोप एंड रशिया इन द राइज ऑफ इन देयर गेम्स जो उनके जो गेम्स हैं वो किस तरीके से हम प्ले कर ये लोग प्ले कर रहे हैं तो सर एज अ होल क्या सच में इंडिया और चाइना इस सुपर पावर की रेस में है सर कोई और तो दिख नहीं रहा है सबसे पहले थैंक यू सो मच नमस्कार आपको और आपके ऑडियंस को आप, देखिए जो एक आप अगर इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा सर हिस्ट्री के अंदर आप एक एक टाइम देखिए कोल्ड वॉर से अगर जो शुरू हुआ था जो मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर जिसको बोलते हैं जो आज का एक जो स्ट्रक्चर है दुनिया का वो कोल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश हुआ जहां पर दो बड़े बड़े पोल्स बने एक बना सोवियत यूनियन एक बना अमेरिका Uh, वो पोल के अंदर एक आधा पोल निकलने की कोशिश कर रहा था जिसका नाम था चाइना और uh, चाइना एक बड़ी ऑपरचुनिस्टिक उप, वे मतलब एक uh, जहां उसको कुछ दिखता था वो उस तरफ जाके उसने अपना गेम खेला है अगर आपको याद होगा फिफ्टी सिक्सटीज में वो सोवियत यूनियन के बड़ा क्लोज होता था uh, उसके बाद सोवियत यूनियन के साथ उनका एक सूरी रिवर है एक छोटी सी रिवर है उसमें एक आइलैंड है वहां पर उसके ऊपर झगड़ा हुआ उनका सिक्सटी में और उसके बाद चाइना ने अपना पूरा You know, uh, game ही करा उसके बाद अमेरिका ने चाइना का थोड़ा सा बीफ अप करना शुरू करा इनको क्योंकि उनको भी चाहिए था कि यार एरिया एरिया के अंदर एक सोवियत यूनियन को कुछ कंपटीशन uh, uh, मिलेगा तो हमारी तरफ इतना कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो वो चाइना को बीफअप करते रहे सीक्रेटली काफी मिलिट्री चीजें दी गई उनको उनको टेक्नोलॉजी दी गई काफी ओवर्टली चीजें दी गई काफी कोवर्टली चीजें दी गई काफी लोगों को पता नहीं है कि काफी चीजें इंजन टेक्नोलॉजी के हिसाब से अमेरिका uh, से सीक्रेटली चाइना को ट्रांसफर किया गया था जस्ट टू बिल्ड अप चाइना ताकि एक एक वो बन जाएगा लेकिन एक गलती करी अमेरिकन ने अमेरिकन ने जो चाइना का राइज था उसको कंट्रोल नहीं करा ठीक है चाइना का जो राइज है वो एक ऑर्गेनिक राइज नहीं है वो एक एडिड एडिड राइज राइज है, मतलब उसको किसी ने हेल्प करा है इट इज नॉट दैट वो अपनी कैपेबिलिटी से बनाए अगर आप फर्स्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, उनको देखेंगे जो आज जो टॉप की कंट्रीज हैं आप उसमें देख लीजिए जापान वेरी वेरी क्लोज विद अमेरिका साउथ कोरिया सेम थिंग वेरी वेरी क्लोज विद अमेरिका उनका एक एडिड राइज है अमेरिका की हेल्प की वजह से वो लोग बढ़े हैं चाइना सेम थिंग जर्मनी सेम थिंग एक ही देश है जो दुनिया में थोड़ा लेट उभरा है लेकिन अपनी कैपेबिलिटी पे उभरा है वो है भारत ठीक है जी तो आप अभी जाके थोड़े आप डील्स कर रहे हो लोगों से हाई टेक्नोलॉजी की ये वो एंड ऑल दैट स्टफ बट आपका एक एक जो स्ट्रक्चर है आपने बोला यार जो भी है हाई टेक्नोलॉजी हो जो मर्जी हो हम अपने पास बनाएंगे So hmm. आप बताइए कैसे करना है आपकी भी काफी सारी है, जो की अब है पहले नहीं थी। अब थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी में उनका हाई में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है उनका। तो जो ये दो सिस्टम्स हैं भारत और चाइना जो बाकी कंट्रीज तो देखिए जपान जिसको बोलते हैं जापान तो स्टैगनेट hmm. हो गया है जर्मनी का बहुत दूर है प्लस इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो दुनिया में एक एक, एक आ, बड़ा रोल प्ले कर सके सो so, दो ही कंट्रीज जो है आज एक स्टेबिलिटी के करीब में इकोनॉमिक्स के करीब में मिलिट्री के करीब में और डिप्लोमेसी के करीब में जो बाहर निकल रही है वन इज भारत एंड चाइना अब देखिए एशिया के अंदर एक एक चीज होती है थ्यूसडाइडिस ट्रैप एक 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 पुराना एक सेइंग है उसके अंदर एक एक सिस्टम होता है कि जो एक स्टेब्लिश पावर होती है इसको ग्रेट पावर कंपटीशन के नाम से जाना जाता है कि एक एस्टेब्लिश जो पावर होती है उसका काम यह होता है कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश करके रखे hmm. उसको ये नहीं चाहिए होगा कि उसकी तरफ कोई कंपटीशन आए hmm. अगर आप अमेरिका और चाइना की भी बात करेंगे तो आपको यही चीज दिखेगा चाइना अमेरिका चाइना को दबोचने की कोशिश करेगा क्योंकि ही डज नॉट वॉन्ट अनादर पार्क उसी एंगल में अगर आप अमेरिका की प्लेस में चाइना को डालिए और हमको चाइना की प्लेस में डालिए तो आपको ये दिखेगा कि वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे ताकि एंड दिस इज प्रटी नेचुरल इसमें वो नहीं है कि यार वो खराब है ये है हाँ चाइनीज का कैरेक्टर जो है उसके बारे में अलग बात करेंगे बट दिस इज अ वेरी नेचुरल फिनोमन सो so, भारत चाइना के बीच में जो एक कॉम्पिटिशन है वो एक स्ट्रेटिजिक कंपटीशन है एक लॉन्ग टर्म कंपटीशन है आज का कल का दो जंगे दो किलोमीटर दो ये दो वो उसका नहीं है Hmm. चाइना आपके साथ अभी बॉर्डर पे लड़ रहा है ठीक है कल को आपके साथ ट्रेड में लड़ेगा बॉर्डर पे रिजोल्व करने के बाद ट्रेड में लड़ेगा नहीं तो डिप्लोमेसी में लड़ेगा नहीं तो कहीं और लड़ेगा वो इकोनॉमिक्स में लड़ेगा कहीं ना सो दिस कंपटीशन विल कंटिन्यू अब ये दो ही कंट्रीज हैं जिनके अंदर एक बेस है जो दुनिया में उभर सकती है hmm. चाइना ने जो भी कट कॉपी पेस्ट करा अपना एक 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 इंडस्ट्रियल बेस बनाया एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बेस बेस बनाया अपना आपने एक सर्विसेज का बनाया और आप उस, उसको आगे लेके लेके जाके मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं hmm. तो कॉम्पिटिशन दोनों देशों के बीच में हर चीज में है आप मल्टीलैट्रल फोरम्स hmm. में देख लीजिए जी ट्वेंटी में देख लीजिए ब्रिक्स में देख लीजिए एस में देख लीजिए आज यूएन हो रहा है अगले थोड़े टाइम के अंदर उसमें भी होगा जो एक लॉन्ग टर्म कंपटीशन ये दोनों देश के बीच में बना रहेगा वो दैट इज अ वेरी नेचुरल फिनम कि दो देश जो उभर रहे हैं वो बोलेंगे कि यार मैं उभरू जल्दी तो, उसको क्रैब मेंटालिटी बोलते हैं कि जो जा रहा है उसको भी टांग खींचो नीचे यू नो इट्स अ वेरी बेसिक सिंपल थिंग तो अगर आप इस टाइम पे दुनिया में एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग इज भारत और चाइना की जो कंपटीशन है जो एक 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 स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है जो एक राइवलरी है उसका कई दो देश फायदा उठाना चाहते हैं अपने अपने नीड्स के लिए अपने इंटरेस्ट के लिए हम भी वही चीज करते हैं ठीक है यूएसए और चाइना का स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है आप उसमें फायदा उठाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है दुनिया में कि चाइना को ग्रो नहीं होने देना है कि वो इतनी डोमिनेटिंग पोजिशन में पहुंच जाए कि वो दुनिया को तंग करने शुरू करे और उसमें एक ही कंट्री है जो एक्चुअली चाइना को खड़ा हो चुका है अभी तक के सामने और कोई देश ने मिलिटेरिली इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली आप जहां पे भी देख लीजिए इतनी जबरदस्त पुशबैक नहीं दिया है चाइना को जितना आपने दिया है सो so, दुनिया देख रही है ये चीज सो so, उसी चक्कर में आज आपकी जो एक इमेज निकली है एज अ ग्रोइंग सुपर पावर एज एन इमर्जिंग पावर रीजनल पावर तो आप ऑलरेडी हैं तो अभी आप ग्लोबल स्टेज में थोड़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो पहुंचेगा और पांच -दस साल आगे लगेंगे उसके, उस, उसको जाने में बट यस योर कहने का मतलब आपका कि दो पार्स जो उभर रही है इट इज एप्सुलटली करेक्ट अच्छा सर इसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन ये था सबसे पहले तो मुझे आपसे बात करते हुए याद आ गई कि एक जो निक्सन का फियर था चाइना को लेकर क्योंकि निक्सन ने विजिट किया था चाइना पे और उसने खुद और हेनरी किसिंजर वो बंदा था जिसने उसको विजिट करवाया था चाइना के साथ रिलेशन डेवलप करवाए तो निक्सन को डर था किसेंजर जो है वो चाइना को ग्रो करवा गया लेकिन सर क्या अमेरिका ने इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान कभी भी चाइना को एज अ थ्रेट नहीं देखा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस तो एज यूजुअल चला बराक ओबामा के टाइम तक और जहां तक ये ट्रम्प है ट्रम्प के आने के बाद थोड़ा सा चाइना को स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में अटैकिंग पोजीशन पे अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट दिखाई दिया उसके बाद बाइडन भी कहीं कही ना कहीं वॉर को उठाकर यूक्रेन लेकर चाइना तो देख ही नहीं गया तो इसके बारे में थोड़ा सा कि क्या लास्ट जो हमारा पास रहा है उसमें अमेरिका ने कभी कोई कोशिश नहीं करी चाइना को दबाए रखने की इस तरीके से या चाइना किस तरीके से उभर के आया देखिए सर उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई एटीज के अंदर एक जो बिजनेस इंटरेस्ट निकला लोगों को पता चला कि यार ये चाइनीज में कोई ह्यूमन ह्यूमन राइट तो कुछ है नहीं यू नो डंडे मार मार के काम कराते हैं लोगों से तो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे इजी रहेगा तो अगर आप देखें रॉनल रेगन के टाइम से जो बिजनेस ट्रांसफर होना शुरू हुआ चाइना के अंदर दैट वॉज बेसिकली टू डू विद इकोनॉमिक्स एंड इसने इन्होंने एक चीज करी कि चाइना को ये चीज रियलाइज हुई कि यार अगर हम इसी तरह से इनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लें तो ये हमको ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे लेवरेज क्रिएट करने की कोशिश करी जो बड़ा सिंपल है आई मीन इट्स नॉट वेरी कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से लेवरेज बनाने की कोशिश करी जितना भी वो लिटरली अपने अपने पैसे लगा के मैन्युफैक्चरिंग करते थे सब्सिडाइजेशन हैवी ओवर सब्सिडाइजेशन करते थे जिसको बोलते हैं डंपिंग तो वो

वो रियलाइजेशन आई 2012 में जब स्कारबलो शो की शोर की इंसिडेंट हुई फिलीपींस के साथ जब mm. बराक ओबामा साहब ने फेमसली फिलीपींस को रोक दिया कुछ करने के लिए और उसी में शी जिंगपिंग का राइज हुआ था क्योंकि शी जिंगपिंग उस टाइम पे उसी रीजन में थे और इस पूरे ऑपरेशन के वो करीब करीब बोल लीजिए इंचार्ज थे वो तो mm. जब वो अमेरिका उनको कुछ कर नहीं पाया तो शी तो मतलब उनकी इमेज चमक गई और वो देखिए आज कहाँ के कहाँ पहुंच गए बट यू कैन सी दैट अमेरिका का जो एक 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 स्ट्रक्चर था उसमें डिविजन div, क्या था एक स्ट्रेटिजिक स्ट्रक्चर था जो वो रिकग्नाइज करते थे कि यार चाइना एक हमको कंपटीशन बन सकता है दुनिया में बट बिजनेस इंटरेस्ट इतने ज्यादा थे कि उन्होंने वो एक जो उनकी एनालिसिस थी कि चाइना हमारा चैलेंजर चा, बन सकता है उसको थोड़ा दूर रखा इनको कब रियलाइज हुआ चीजें जब मैंने आपको बताया 2012 में चीजें शुरू हुई तब तक तो चाइनीज लीडर्स डेंग ये सारे बोलते थे छुपा के रखनी है डू नॉट कम आउट इन टू दर्ल्ड की एंड से क्या है अब ये शीजिंग पिंग साहब आए इनको थोड़ी जल्दी थी लाइफ के अंदर कि यार मैं कर दू तो मैं फिर यू नो चमक जाऊंगा नेक्स्ट माओजे दाऊंग मेरा नाम होगा

साउथ चाइना सी में इन्होंने आइलैंड्स बनाने शुरू कर दिए पूरी दुनिया देखती hmm. रही अमेरिका ने कुछ करा नहीं सो so, दुनिया अलाउड द राइज ऑफ अ मॉन्स्टर लेट मी से दिस वेरी क्लियरली हमने ये अलाउ करा है इसको अब बोलते हैं भाई उसको भगाओ हाँ hmm. ठीक है भगा देंगे थोड़ा टाइम लगेगा आपने इतने दस साल तक तो कुछ करा नहीं यू अलाउड इज राइज एंड मैंने जैसे पहले आंसर में बताया था कि भारत ही एक एक था अगर आप टाइम पीरियड में देख लीजिए Uh, जब 2020 में स्टैंड ऑफ हुआ किसी और कंट्री ने इकोनॉमिक सेंशन चाइना के ऊपर नहीं लगाए थे hmm. आपका पहला देश था जो हम लोग तो ऐप बैन बोलते हैं ना, बट अगर आप यही चीज वेस्ट में करेंगे hmm. जो उसका तो आप पहली कंट्री थे जिसने आके मिलिटरीली उसको पुशबैक करा पुशबैक करने के बाद उनके बंदे मारे hmm. उनको नीचा दिखाया जिस जगह पे सोकॉल so जैसे हमारे काफी एक नैरेटिव चलता है कि बहुत जमीन ले ली ये हो गया वो हो गया एंड ऑल दैट स्टफ। वन थिंग पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। अगर वो जमीन ले चुका होता हमारे से तो आज वो अपना है, है, ठीक है कि यार मैं तो जीत गया एक जगह मेरे को मैं चाइनीज मीडिया देखता हूं मैं अपनी मीडिया से ज्यादा चाइनीज मीडिया देखता हूँ मेरे को तो कहीं दिखा नहीं है कि उन्होंने कभी भी सेलिब्रेशन टाइप कुछ कराओ कि हम तो जीत गए यार हमने भारत को पीछे कर दिया ये वो नॉल तो कहीं नहीं है hmm. उनका एक जो प्लान था था आपको नीचा दिखाने का था, वो कर नहीं पाए वो इट फेल्ड आप फिंगर फोर जो पेंगोंग शो की बात कर लीजिए मैं आपको ये बताऊं कि सैटेलाइट इमेजेस अगर आप उस टाइम के देखेंगे वहां पर उन्होंने चाइना का मैप बनाया था चाइना का hmm. नाम लिखा था उनका फ्लैग बनाया था लेकिन जब डिसेजमेंट हुई किसको मिटाना पड़ा वो सब कुछ ठीक ठीक है है उनको मिटा के दे हैड टू गो बैक जो अभी लोग लोग बोलते हैं यार हम लोग फिंगर एग्जैक्टलीट तक जाते देखिए फिंगर फोर और फिंगर एट के बीच में जो एरिया था वो किसी का नहीं था पहले से नहीं था वो भी इस तरफ आते थे हम भी इस तरफ जाते थे अब क्या हुआ है अब दोनों वो जगह में कोई नहीं जाता hmm. है ठीक है सो यू लुक एट इट फ्रॉम अ थोड़ा सा ऊपर से देखिए आप आपने उसके एप बैंस करे आपने hmm. उनके ऊपर यू हैव प्लेस्ड वेरी हैवी सेंशन इन टर्म्स ऑफ देयर पीपल कमिंग इन उनकी इन्वेस्टमेंट hmm. नहीं आने दे रहे आप आपने चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रखे हैं आपने एक लॉ लगा रखा है कोई भी चाइनीज कंपनी यहाँ पर है अपना पूरा इक्विटी स्टेक आप 51 परसेंट इंडिया में किसी को बेचिए तो आप काम कर सकते हैं नहीं तो अपना डब्बा बंद करिए जाइए यहाँ से देर इज नो वे दैट यू विल ऑपरेट हियर तो यू आर डूइंग दिस थिंग्स एंड दुनिया को ये रियलाइज हुआ कि यार एक ही कंट्री है जो उसके साथ खड़ा है जो सराउंडेड है उसके एक प्रॉक्सी से पाकिस्तान जो एक रोग प्रॉक्सी है बट फिर भी रखता है इंडिया सेंट्रिक जो दुनिया बन रही है बिकॉज आपने एक स्टैंड लिया ये चीज हमको थोड़ी समझनी थी अगर लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा चाइनीज सिस्टम में अगर आप देखिए उनका जो आइडिया था कि एशिया में भारत को किसी और के साथ अलाइनमेंट नहीं करनी चाहिए ना हमारी है हम लोग तो न्यूट्रल हैं बट चाइनीज नजर से आप देखेंगे वो कभी भी आपको बायलैटरली नहीं देखते वो कभी ये नहीं देखते इंडिया चाइना वो कभी नहीं देखेंगे वो देखेंगे यूएस चाइना इंडिया या यूएस इंडिया चाइना यूएस का एंगल हमेशा से रहेगा और ये इसके बारे में अगेन मैं हिस्ट्री में जाऊं

बायलैटरली देखें एंड ये उनकी खामी है ये उनकी नजर की खामी है दे डोंट व्हाट व्हाट मिस्टेक दे आर मेकिंग एंड बाय डूइंग इनकी बहुत एक नेटिव चलता है कि चाइनीज पचास साल आगे सोचते हैं सौ साल आगे सोचते हैं ये करते हैं बट आई एम ऑफ द बिलीव कि चाइनीज ने जितनी भी एक्शन भारत के साथ करी हैं उनका जो एक रिजल्ट आना उनको जो चाहिए था उसका हमेशा ऑपोजिट आया ये अभी से बात नहीं कर रहा मैं ये इंडिपेंडेंस से आज तक की बात कर रहा हूं मैं आप mm -hmm. में अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जब हमारी हार हुई थी आई विल टेल यू इन दैट डिफीट बोला कि हम आके ये करेंगे वो करेंगे तो सिक्सटी टू में तो कोई ज्यादा आगे आए नहीं वो जो भी mm -hmm. आगे आए वेंट बैक अरुणाचल में दे ऑलमोस्ट केम इन टू द ब्रह्मपुत्र वापस चले गए तो हुँ। मेरा सवाल चाइनीज के साथ हमेशा से यही है कि यार अगर आप जीत गए थे तो आप खड़े क्यों नहीं थे वहां पर वापस क्यों गए आप क्यों गए बेसिकली so आपने अपनी पूरी मिलिट्री को वो करा ये करा वो करा टू गेट समथिंग बट यू कंट गेट इट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने दूसरे देश को हरा दिया आप फिर भी नहीं ले सके उसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजन थे अमेरिका से डंडा आया था ऊपर रशिया से डंडा, डंडा आया था, हमारी चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम क्लास में कई बार पढ़ाते भी है असलियत में 1962 वॉर ही वो वॉर था जिसके बाद सोवियत यूनियन और चाइना के रिलेशन डिटीरियट होने शुरू हुए थे क्योंकि उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग फेज में थे और कहीं ना कहीं चाइना गुस्से में जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया देखिए 1953 में जब आ, आ, क्या नाम है इनका स्टालिन की डेथ हुई थी हुँ. उसके बाद वहां पर भी वो चार लोग थे जिन्होंने वो क्रुश्चोव था देखे। ये लिवरेंथी बेरिया और ये लोग थे इन्होंने हुँ. कोशिश करी कि हम यू नो कलेक्टिव लीडरशिप कुछ करें आपस में पॉलिटिक्स हुई बेरिया को मार दिया इसको मार दिया उसको मार दिया और निकिता क्रुश्चोव केम आउट आई थिंक 56 57 में निकिता क्रुश्चोव ने सो कॉल्ड सीक्रेट स्पीच दी थी बट वो उसकी उसकी पूरी स्पीच की टेक्स्ट पूरी दुनिया में भेज दी थी उसने वेर दे डिनाउंस स्टालिन उन्होंने बोला कि ये जो स्टालिन ने काम करे वो ठीक नहीं है और माओ और स्टालिन बड़े अच्छे दोस्त थे तब तक माओ जिंदा थे तो माओ को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार ये क्या कर रहे हो आप दिस इज नॉट ओके यू कैन नॉट बी यू नो डीलिंग हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं उनको आप ये कैसे कर सकते हो सो so, उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने शुरू हो गए थे अब वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस चाइनीज की एक वो दिमाग में फितरत रहती है कि यार लैंड में थोड़ा ये ये ये, ये करना चाहिए हमको उस टाइम पे सोवियत यूनियन के फोर्सेस बहुत ज्यादा थी तो सोवियत ने बहुत सारी फोर्सेस चाइना के अगेंस्ट में खड़ी कर दी थी अपनी तरफ से प्रेशर डाल रहे थे इन्होंने भी खड़ी कर दी थी तो वो फिर

अपने फ्यूचर को अपने प्लान को जस्टिफाई करने के लिए वो ये चीज डालते हैं देखो आपने हमारे साथ ये किया तो अब हम ये करेंगे तो हजार साल की ह्यूमिलिएशन बोल दीजिए आप ठीक you know? है मिलेनियम ऑफ ह्यूमिलिएशन आप देख लीजिए तो आप, आप, so, आप I mean, अब तो ऐसे है कि हम बोले भाई uh, के अंदर हमारी जो सिख रेजिमेंट थी वो तो शाई के अंदर खड़ी होती थी जब यू नो टी थर्टीज के अंदर हमने डाके लिटरली अंडर द ब्रिटिश आर्मी हमने पूरा कैप्चर किया हुआ था तो आप दे दीजिए हमको वापस ये तो दीज आर अपसर्ड स्टेटमेंट सो यू नो इसका कुछ सेंस नहीं बनता है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई वो अपना नैरेटिव चेंज कर नहीं सकते क्योंकि अगर नरेटिव चेंज करेंगे तो नाक कटेगी तो ऐसी जगह पे आगे फंस गए हैं कि ना वो इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं आपसे वो बॉर्डर पे बात करना चाहते हैं लेकिन आप बात नहीं करते उनसे ठीक hmm. है आप बोलते हो भाई पूरा बॉर्डर संभालो हम वो, वो बोलता है नहीं नहीं यार ऐसा है वो वाले पे बात करते हैं। हम बोलते साहब वो नहीं पूरा चार हजार बॉर्डर संभालो आपने भी थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करा है। पहले बोलते थे वो स्टेटस को ट्वेंटी ट्वेंटी उसका तो नाम ही hmm. छोड़ दिया आपने अब आपका जो रेटरिक है ना 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 नो स्टेटस को ट्वेंटी ट्वेंटी फुल फोर थाउजेंड किलोमीटर तो आपने भी एक लेवल अप कर दिया उनको

पर आप बात को उसी तरफ ले आए इसमें मोदी जी की लीडरशिप और उससे पहले इंडिया चाइना के से डील करते हुए हम जवाहरलाल नेहरू से तो खैर नहीं शुरू कर सकते लेकिन हाँ ये है कि आज की जो 2014 के बाद की लीडरशिप है उसमें और आज से 10-20 साल पहले की लीडरशिप में खासकर 10 साल पहले 15 साल पहले की लीडरशिप में क्या डिफरेंस है उन दोनों की इंटरनल स्ट्रेंथ और वैसे डिसीजन मेकिंग में और चौदह से लेकर बीस तक क्या बदला के बीच में बिल्कुल ही चेंज हो गया देखिए जी ऐसा है आप हिस्ट्री में जाइए जो हमने एक थोड़ी सी टफ स्टैंड लेने की कोशिश करी थी नेहरू के टाइम पे नेहरू जी के टाइम पे कि नहीं हम नहीं मानते ये नहीं करते वो नहीं करते ठीक hmm. है 1953 में जब इन लोगों ने 53 55 में लद्दाख में सर्विस करने शुरू करे थे उस टाइम hmm. पे हमारी फौज ने आके बताया था यार ये ये कर रहे हैं जरा रोको इनको hmm. आपने पहली पेट्रोल वहां पर भेजी थी 1957 में 56 या 57 में पहली बारी 10 साल इंडिपेंडेंस के बाद तो चाइनीज़ तो बोलते थे आप थे ही नहीं वहां पर यार आप क्या क्लेम कर रहे हो अनऑफिशियली जॉविन लाइन ने आपको आके एक मैसेज भी दिया था कि देखो यार हमको ये रोड बनानी है अब बोलो यार यहां पर ना आपकी कोई पॉपुलेशन है ना हमारी कोई पॉपुलेशन है लेट्स वर्क समथिंग आउट ठीक है उन्होंने एक चिट्ठी भेजी थी 1956 में Uh, मेरे को डेट याद नहीं आ रही 1956 में एक चिट्ठी भेजी थी नेहरू जी को कि यार ऐसा है दिस इज द गेम तो आप एक टीम भेज दो हम एक टीम भेजते हैं थोड़ा यार एक वो सर्वे सर्वे करके ना बॉर्डर बना लेते हैं हमारा कर लेते हैं इसको खत्म क्योंकि हमारा एक रोड का प्रोजेक्ट है लेट्स वर्क दिस आउट सो so देखिए इंडिपेंडेंस के बाद से देवर नॉट एंटेगनिस्टिक बट आपने बोला नहीं हम नहीं करते और उस टाइम पे कोल्ड वॉर शुरू ही शुरू हुई थी तो आपके साथ यूएस के साथ आपके अच्छे रिलेशन थे आपने उठा के दलाई लामा को अपने पास रख लिया था तो ऑल दैट ऑफ इट है यूएसए और भारत के हमारे फोर्सेस जाती थी तिबेट के अंदर नंदा देवी पे हमने एक न्यूक्लियर का एक न्यूक्लियर थिंग्स मेजर करने के लिए हमने वहां पर एक प्रोब रख दिया था तो ये चीजें हम भी करते थे उस टाइम पे तो देवर देवर नॉट एबल टू फिगर आउट करना क्या है वॉट डू वी डू अबाउट दिस और ये, ये की बाद की बात बता रहा हूं आपको तो तब तक हमारा यूएस के साथ अच्छा रिलेशन था दे ट्राइड टू सेटल विद यू एंड आई एम नॉट सेइंग कि हमारी गलती पूरी है ठीक है, hmm. है तो ये तो बेसिक मिस्टेक उनकी है लेकिन हमने उस चीज को जिस तरह से डील करा वॉज अनदर मिस्टेक फ्रॉम आर साइड देखिए आप बात कर सकते थे यू कुड कम टू टाइम उस टाइम पे नया नया घाव था कुछ ना कुछ कर सकते थे अब 60 साल के बाद 70 साल के बाद आप उस चीज को खोल रहे हो तो ऑब्वियसली इज गोनो बी अ प्रॉब्लम सो वो चीज लेगेसी चलती रही यहां पर अब उन्होंने रोड बना दी 62 में जो आपके साथ लड़ाई करी वो इसलिए थी कि आपको थोड़ा सा उस जगह में बताना देखो साहब ये तो हमारा है भूलो राइट right?

90s में आपकी हालत खराब थी उस टाइम पे तो देर वॉज नो मेजर अलाइनमेंट यूएसएसआर जा चुका था यूएसए वॉज नॉट इंटरेस्टेड तो चाइनीज ने वो बॉर्डर्ड तो उस टाइम पीरियड को चाइनीज बोलते हैं देखिए जी राजीव गांधी जब आए थे तो हमने उसके बाद देखिए हमने कोई झगड़ा नहीं हुआ ये अब वो नैरेटिव गेम खेलने की बात करते हैं वो विच इज रॉन्ग राइट

It was not taken 14 के बाद क्या हुआ जब इनकी मुलाकातें शुरू हुई अगर आपको याद होगा कि uh, 17 में जब ये इधर आए थे uh, तो मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली बोला था यार आप ये सीधा करो नहीं तो भूलो देर इज नो वे सो ये डोकलम सडली पीछे हट गए नो दिज इट है अभी दोक्लाम हुआ, दोक्लाम में उनको पीछे जाना पड़ा राइट right? तो क्या हुआ यू डिफ़ीट हुई आपकी? तो आपको कहीं ना कहीं उसका बदला लेना था तो आपने खोल दिया। उनका दिमाग में क्या था यार ये तो यू नो you know, हालत खराब है कुछ कर नहीं पाएंगे बट दे रियलाइज की स्विफ्टनेस वापस आएगी तो मोदी साहब ने एक जो चीज करी है said, yeah. Sorry, आप, अगर लड़ना है तो चलो आ जाओ लड़ते हैं काम चलो लेट्स वर्क बात करनी है चलो लेट्स hmm. तो यू uh, फर्क पड़ता कुछ भी ऊपर hmm. से आपने अपनी alignments करनी शुरू करी है क्वार में घुस गए हो आप इधर हो गया है उधर हो गया है तो अब स्टोरी इतनी ज्यादा देखिए अगर ट्वेंटी ट्वेंटी में ही खत्म हो जाता तो कोई बात नहीं करता इतनी स्ट्रिटिजिक hmm. कॉम्पिटिशन नहीं होती चाइनीस की ये प्रॉब्लम है दे ओवर एक्सटेंड थिंग्स

ट्रेड में कुछ करेंगे इधर पे कुछ करेंगे सैंक्शंस करेंगे ये करेंगे। उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि आप एक 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 पावर बन जाए एशिया में जो उनको उनको कम्पीट कर, कर सके, उनको पुशबैक कर सके वहां पर तो ये एक एक गेम एक है जो मोदी साहब के आने के बाद एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक गेम बनी है अब इन्होंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सीधी करी है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सीधी सीधा करा है उस जगह के अंदर तो चाइना को एक एक जगह पे ये फीलिंग आ रही है कि यार ये जो अभी एक कंपटीशन है ये टफ हो रहा है अभी मेरे पूरी तरह से पक्ष में नहीं है जो पहले काफी हद तक था दैट इज द डिफरेंस अब सर एक यहां पर क्वेश्चन कि यहां रशिया का क्या रोल आ रहा है रशिया अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के मामले में बड़ा तगड़ा डायलामा के अंदर है कि किधर केयरफुली रशियस को पता है चाइनीज क्या है उनको ये भी पता है आप क्या है और आपकी क्या लिमिट्स हैं आप उस किस उस लिमिट को कैसे क्रॉस करोगे नहीं करोगे जैसे जो आज चाइना की हेल्प जा रही है रशिया की तरफ रशिया को बड़ा क्लियरली पता है हम नहीं करेंगे वो कभी भी वी विल नॉट डू इट पीरियड तो उनको क्या करेंगे अगर वो आपके साथ इतना उसका दि... दि... वो खराब रहता कि नहीं नहीं यार भारत तो मेरे को हेल्प ही नहीं करता क्या फायदा है ऐसे दोस्त का hmm. कब के रिश्ते टूट चुके होते आज भी अगर वो आपके साथ खड़ा है हर चीज में आपको सपोर्ट करता है हर चीज में आपके साथ में खड़ा है बिकॉज़ उसको पता है यार मेरे को दुनिया में अगर करना है, मेरे को नॉर्मल दोस्त चाहिए ठीक है आई कांट डील विद्युन डिक्टेटरशिप ठीक है, a, you know, थीक थीक है तो रशिया को भी समझ में आता है दिस इज समथिंग दैट वन मस्ट अंडरस्टैंड तो एक temporary bromance बोलते हैं उसको arranged marriage for you know contract marriage है वो थोड़ा time के लिए it's a relationship of convenience लेकिन as far as trust is concerned the Russians don't trust the Chinese S400 Chinese के पास भी हैं आपके पास भी हैं hmm. अब वो आपको बोल रहे हैं यार आप technology ले लो अपने आप बना लो S400 हमसे क्यों मांगते हो hmm. मैं तो नहीं सुना कभी Chinese को बोलते हुए वो as a matter of hmm. fact 2019 में जो करंट डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको तो सैंक्शन में डाला हुआ है यूएस ने कि आपने एस फोर हंड्रेड खरीदा और सुखोई थर्टी फाइव खरीदे थे रशिया से जो फू है जो अभी मिसिंग है गायब हो रखा है वो वो सैंक्शन लिस्ट में है यूएसए की आपने भी सेम चीजें खरीदी आपको तो कोई सैंक्शन नहीं आया ठीक है दूसरी चीज देख लीजिए चाइनीज ने छत्तीस जहाज मांगे थे थर्टी सिक्स आए कितने बारह उसके बाद चाइनीज ने कॉपी पेस्ट करने शुरू करे रशियन ने बोला सॉरी आई एम नॉट गिविंग यू एनी मोर एंड डिप्लोमैटिक डिमार्श इशू किया था चाइनीज कोनी मोर तुम जो करना है करो, own, fact, उन्होंने तक देने कम कर दिए थे matter, we, we अगर आप एक रिसेंट डेवलपमेंट देखें रशिया ने नॉर्थ कोरिया को आर्म करना शुरू कर दिया है लोग बड़े की नॉर्थ कोरिया चाइना का बच्चा है नहीं इट्स नॉट नॉर्थ कोरिया का रिमोट कंट्रोल रशिया के हाथ में

दुनिया को दिखाने के लिए यार मेरा इंडिया भी दोस्त है चाइना भी दोस्त है तो मैं दोनों तरफ से कुछ कर सकता हूं दूसरा आपका डिफेंस आपके बड़े पुराने टाइज हैं तो वो तो एकदम से अभी खत्म होने नहीं वाले इट्स नॉट समथिंग इज दिस थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं चीज बोलूंगा एक ट्रस्ट फैक्टर होता है अगर चाइना ऐसे मैप निकालेगा तो यू थिंक द आर दे नॉट सिली एंड दे नॉट सुपरपनिंग दे नो इज दे नो चाइनीज के बारे में. क्या ड्रीम्स है अबाउट

वो बड़े दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट सर एक क्वेश्चन पूछना था क्या शी जिनपिंग ने सिक्स वॉर ऑफ चाइना में से पांच इकट्ठे चालू नहीं कर दिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर देखिए शी जिनपिंग तो थो को एक चीज पता, पता है शी जिनपिंग को एक चीज पता है सर द डिक्लाइन ऑफ चाइना स्टार्टेड इन 2012 ठीक है जो आज डिक्लाइन की बातें करते हैं लोगों इकोनॉमी ठप हो रही है ये तो 2012 से हो रही है ठीक है देयर ग्रोथ रेट्स केम डाउन होल थिंग्स हैपेंड इन देयर ऑड आफ्टर 2012 तो इनको ये पता है यार टाइम है नहीं मेरे पास ज्यादा मेरी पॉपुलेशन कम हो रही है uh, मेरी बिजनेस माय इकोनॉमिक्स इज गोना गो डाउन तो उन्होंने क्या करा अपनी इकोनॉमिक्स को रिचार्ज करने के लिए उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है बाहर की तरफ डाली बी बनाया इतना स्टील पड़ा है तो चलो बाहर भेज देते हैं थोड़ा इन्फ्लुएंस करेंगे ये करेंगे वो करेंगे उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म गेम खेलने की बात करी कि वो आके आप पूरी दुनिया में एक जगह से एक 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 इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहे थे वो हुआ नहीं ठीक से नाउ शी जिनपिंग का जो एक <laughs> इन्होंने क्या किया कि ही वांटेड टू एग्जर्ट हिमसेल्फ एंड उनको ये एक चीज ये था कि मैं बनू आई शुड गेट इंश्राइंड लीडर ऑफ चाइना साउथ चाइना सी से उन्होंने जो गेम खेलना शुरू करा और उनको एक कॉन्फिडेंस आया आयाबर शोल, शोल के इंसिडेंट से कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ hmm. एक बार हार गए तो हर बार ही हारेंगे hmm. तो उन्होंने यहाँ जाके आयलैंड शुरू करे यहाँ जाके एंड आई वुड से वेरी क्लियरली स्ट्रेटिजिकली स्पीकिंग बराक ओबामा वॉज द वर्स्ट यूएस प्रेजिडेंट एवर इन हिस्ट्री जो आज चाइना बैठा है ये सब करके इट इज बिकॉज ओबामा लुक अदर वे ठीक yes. है वर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री इन हिस्ट्री आई वुड से निक्सन भी बहुत अच्छा आदमी था so, इनको तो बिल्कुल भी स्ट्रेटजिक सेंस कोई थी नहीं ये जो पूरी ये जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट चली है ये चला है वो चला है ये सारा कर्ट बराक ओबामा का है बिकॉज ही वॉज वीक ही वीक ही नेवर टुक अ डिसीजन ही जस्ट वेंट बाय द मनी फैक्टर ऑफ एट जो लॉबी उसको लॉबी करती थी वो उसके साथ चल पड़ता था And अभी भी आप देख लीजिए उसका वही इट इज इज थिंग मोदी साहब वहां गए नो you know, नहीं पैसे मिले थे अमेरिकन लीडरशिप तो you know, hmm. बड़ी वीक सी है देर देर नॉट डूंगज यार ठीक है वीक है तो सबके साथ पंगे ले लेते हैं क्या होगा ये तो लड़ेंगे नहीं हमसे आके जो उनकी मिलिट्री प्लान है हिसाब से आप एक थिएटर में लड़ते हैं और बाकी थियेटर्स प्रोटेक्ट करते हैं hmm. ये भाई साहब ने ओवर कॉन्फिडेंस में आके सारे थियेटर्स खोल दिए अपने एग्जैक्टली exactly. ठीक है वॉट दैट इज डन इज मिलिटरी इज ऑल्सो टेलिंग एम बाइक कर क्या रहे वी कॉन्ट फाइट इन सो मनी प्लेसेज इट नॉट पॉसिबल तो जो उसको बोलता है उसकी गर्दन उड़ा देता है ठीक है अंदर तो hmm. uh, डालो ही यू नो वो पॉपकॉर्न नहीं खाते ऐसे ऐसे करके पिकिंग दू तो शीजिंग इज मेड अ स्ट्रेटिजिक मिस्टेक

CPC को चैलेंज करने के लिए सिर्फ एक ही पार है दैट वन पार इज द आर्मी सो मेरे हिसाब से शी जिंगपिंग इज मेड देम सो बिजी इन ऑल द फ्रंट्स कि दे कांट चैलेंज हिम ही इज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर देम ऑल ओवर द प्लेस तो यू नो ये पॉलिटिक्स है इंटरनल पॉलिटिक्स है अगर आप देखिए मैं थोड़ा चाइनीज मीडिया को काफी फॉलो करता हूँ दो तीन दिन पहले एक मैंने शो भी किया था इसके ऊपर उनकी रॉकेट hmm. फोर्स ने तो बड़ा क्लियरली अपने न्यूज uh, पेपर में डाल दिया कि साहब हम लड़ नहीं सकते केपेबिलिटी नहीं है हमारे अंदर वी कान डू इट सो प्लीज डोंट स्टार्ट अ वॉर राइट नाउ वी आर नॉट रेडी और चाइनीज मिलिट्री में से ये चीज बाहर आना इज लाइक अ बिग थिंग कभी भी आई I मीन mean, कोई नॉर्मल डेमोक्रेसी में भी ऐसी कोई चीज बाहर नहीं आएगी और यहाँ hmm. तो सब कुछ कंट्रोल्ड है स्टेट ड्रिवन मीडिया है वहां पर अगर ऐसी कोई चीज प्रिंट हो रही है दैट तो हैल बिहाइंड चाइनीज बैंबू कर्टन तो ये एक लॉन्ग टर्म मिस्टेक है इनकी अब इनको समझ नहीं आ रहा कहां पर मैं कुछ करूं सो द बेस्ट वे ऑफ डिफेंडिंग योर सेल्फ इज ऑफेंस तो वो लगे हुए की प्लेस देर इज जस्ट नो वेल्स ऑफ ताइवान आपने बोल दिया कि साहब ये इसके बारे में तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे

वापस आने की चांस बहुत कम है तो hmm. ठीक so, है आई मीन टू ईच इज ओन बट ही डजेंट हैव द कैपेसिटी टू डू इट इनको अभी एक खतरा पड़ रहा है भारत से और ये चीज अभी रियलाइज हो रही है कि अभी तो नहीं एक्चुअली 1959 में hmm. जवान लाए ने अगेन मोदी को जो लास्ट चिट्ठी लास hmm. लिखी थी कि साहब ऐसा है आप हम दोनों ये हैं वो हैं पूरा उसने काफी स्पीड लिखी थी लास्ट लाइन लिखी थी कि As as बट mm. तो तो वो उस चीज में यह भी एक्नोलेज कर रहा है कि मेरे को उस तरफ से यूएसए से थ्रेट है तो आप मेरे mm. को सेकेंड फ्रंट ना बनो आज की अगर आप बात देखें ये चीज लॉर्ड ऑफ पीपल यू नो डोंडरस्टैंड की

ठीक है सो so, उसको भी थोड़ा सा वो एक नाउ अ अ प्रॉब्लम तभी वो मिलिट्री चीज को बोलता साइड करो यार नहीं 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 मिलिट्री नहीं 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 बॉर्डर छोड़ो नहीं 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 हम ट्रेड पे बात करते हैं हम दोस्ती पे बात करते हैं हम रिलेशन अरे पहले उस पर देखो नाउ ही नोज दैट्स अ प्रॉब्लम सो ही डन वॉन्ट टॉक अबाउट इट सो ही स्टक नहीं नहीं वो उसके बाद फंस चुका है वो क्या करेगा आई I मीन mean,

बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैपन अगेन बिकॉज एक वो सिक्योरिटी स्टेट बना चुके हैं अंदर हर पंद्रह मिनट में आपको कहीं अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है आपको अपना फोन टैप करना पड़ता है आपको अपने सोशल क्रेडिट स्कोर दिखाने पड़ते हैं तो आपको टैक्सी नहीं मिलती बस नहीं मिलता ट्रेन नहीं मिल सकती एयरक्राफ्ट नहीं मिलता ग्रोसरीज तक नहीं देते आपको इतनी हालत खराब कर रखी है वहां पर लोगों की और आपको अगर सोशल क्रेडिट स्कोर नीचे चले जाता है तो बोलते जाके खून दे दो या हमको पैसे दे दो आपका स्कोर ऊपर कर देंगे हम लोग यही दो ऑप्शन है उनके दे एक्चुअली टेक ब्लड फॉर इट्स सो

और अगर पीएलए अगर कुछ करेगी तो वही मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं आप hmm. तो ऑल्टरनेटिव सिस्टम बी बी द सेम इट नॉट गोइंग टू एनी डिफरेंट कि आप बोल रहे हैं कि सडनली वहां पर इलेक्शन हो जाएगा वोटिंग हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा इट नॉट इन द नियर बाय फ्यूचर यू नो बिकॉज उनका ऑल्टरनेट सिस्टम इज द सेम थिंग हैव यू नोटरनेट नहीं है नहीं है क्या करेंगे <laughs> इसमें थोड़ा सा अब अमेरिका के ऊपर आते हैं जी अमेरिका में बराक ओबामा को आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया <laughs> कि उसने तो जो किया वो पता ही नहीं क्या किया लेकिन सर जो ट्रंप ने किया अपने चार साल के उसको थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से उसने चाइना को बांध के रखने का पूरा तरीका यूज किया या किस तरीके से उसने बांध के रख दिया और आज तक दुनिया उस चीज के लाइन पर चल रही है देखिए ये ट्रम्प की पॉलिसी तो है है ठीक है मान लीजिए बट अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना सर प्रेसिडेंट hmm. प्रेजिडेंटिडेंट जो मर्जी चेंज उनकी फॉरेन पॉलिसी नहीं चेंज होती इट चेंज ठीक है जो लोग बोलते हैं अभी ट्रम्प बड़े खुले में बोलता है मेरे को 24 घंटे दे दो मैं यूक्रेन का जंग बंद कर दूंगा तो मैं उससे पूछने वाला था कि साहब ऐसा है मुझे ये बताओ आप वेपन क्यों दे रहे थे यूक्रेन को आपने चार साल चारे दिए आठ सौ मिलियन डॉलर के वेपन दिए हैं आपने यूक्रेन को क्यों दे रहे थे आप नहीं देने थे तो आप तो बड़ा बोलते हो मैं पुतिन का दोस्त हूं ये हूँ क्यों तो उसके एनिमी उसके को हार्म कर रहे थे आप तो ये सब कहने वाली बातें हैं दिस दिस इज ऑल गुड टू हियर जो अमेरिकन सिस्टम को एक चीज पता चली और जिस चीज से वो गुस्सा हुए हैं इज द थेफ्ट ऑफ आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ठीक है एक दो आईलैंड इधर उधर एंड ऑल दैट स्टफ इट इन मैटर टू द दीरिकन दैट मच बट ये जो आईपी थे और जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है अमेरिकन सिस्टम के अंदर दे दे लाइक सेड यार ये ये थोड़ा यू लाइन दूसरा जो एक अमेरिकन है जर्मनी को अगर आप पुशबैक करेंगे आप अगर आप इधर पे लोकल इधर उधर करते रहो अमेरिका को टारगेट करके कुछ करोगे तो देन दे विल गेट तो वो एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ 14 15 में यार हो गया अभी चाइना नीड्स टू तो बी स्टॉप

Uh, 2016 में इसने अपने आप एडमिट किया था कि ये आई थिंक हर्बे प्रोविंस का गवर्नर uh, होता था इसने 30% परसेंट इंक्रीज करी थी अपनी जीडीपी फेक अरे वाह 30% जीडीपी so, हां तो आई डोंट बाय द जीडीपी मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें तो जीडीपी होगी करीब आठ से नौ ट्रिलियन के बीच में एंड वो भी पेंडेमिक से पहले की बात बता रहा हूं आपको 2019 की

अब मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा बट इन थोड़े से दिमाग के कम लोगों ने दे दे ओनली प्लान द बुलेट ट्रेन फॉर पीपल अब किसी को ट्रेन का एबीसी भी पता हो तो उसको ये पता होना चाहिए ट्रेन लोगों से पैसे नहीं बनाती ट्रेन कार्गो से पैसे बनाती है hmm. तो आप अगर कार्गो नहीं लेके जाओगे उसके अंदर तो पैसे कहां से बनेंगे That means they need to have the train running at 90% capacity for all the time, which is impossible. So they are incurring a loss of 1.2 billion dollars in their जस्ट दे रेलवे प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तो आज ये क्या हुआ बिकॉज ट्रम्प साहब ने एक पब्लिक रेटरिक बनाया लोग, मेरे जैसे लोग बहुत दुनिया में काफी सारे लोग चाइना स्टडी करना शुरू करा मैं तो बहुत ही मतलब, तो तो द सर्फेस एक आधा परसेंट मुझे पता है बट देर आर पीपल वो नो मच मोर एंड वो वो कर रहे हैं पीपल आर डूंगन ने आके एक गलती करी की टू गैरेंट यूक्रेन बट वो उनका लेगेसी इशू था जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे यूक्रेन उनका पोर्टफोलियो था तो ही हैड प्रूव अ पॉइंट बट जो चाइना बाइडन oh. so वहां बिजी है चाइना को इग्नोर कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है शुरू होने से पहले क्या चाइना था और आज देख लीजिए क्या चाइना है आपको पता जाएगा इट इज इट्स इन

दिखती है कि कहां पर दोनों कंट्रीज खड़े क्योंकि आठ से दस ट्रिलियन डॉलर की आपने बताया तो, मुझे तो लगता कि इंडिया अगले अंदर -अंदर सरपास कर जाए क्योंकि वो अठारह अठारह ट्रिलियन वाला तो कंसेप्ट खत्म हो गया फिर तो सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताऊं आप देखिए वो क्लेम करते हैं वो 16 ट्रिलियन पे थे पेंडेमिक के बीच में जब सब कुछ लॉकडाउन था दुनिया के हालत खराब हो रही थी वो तीन ट्रिलियन डॉलर बढ़ गए यार किसको चूना लगा रहे हो आप आई मीन लेट्स बी लिटिल रियलिस्टिक आई एम नॉट एन सर मेरे को मैं लॉजिकल आदमी हूं मैं पढ़ता हूँ और मैं सवाल पूछता हूँ यार वाई इज दिस वट इज दिस हाउ केन यू ग्रो थ्री ट्रिलियन डॉलर जब आपने पूरा देश बंद कर रखा था वी वर एक्सपोर्टिंग थिंग्स ओ बट वॉज इम्पोर्टिंग एनी थिंग किसको एक्सपोर्ट कर रहे थे तुम <laughs> exactly. So, 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 I mean, this is something that needs to to be be understood. people so, people people don't people take China on face value. We which, should which should not. You should be able they so, they hate me for this. A lot of गाली वाली निकालते रहते बिकॉज मैं बड़े प्रेगमेटिक से सवाल पूछता हूँ उसको यार आप बता दो कैसे हुआ ये बिकॉज अगर ऐसा है तो मैं जरा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को बोलू यारिजनेस नहीं चाइनीज स्कूल ऑफ बिजनेस बनाओ हम भी तो सीखे यार जैसे लॉकडाउन के अंदर तीन ट्रिलियन डॉलर कैसे बढ़ जाता है हमारी तो टोटल इकोनॉमी साढ़े तीन पौने चार ट्रिलियन की है आप क्या बोल रहे हो आपने अपनी इकोनॉमी में एक भारत ऐड कर लिया लॉकडाउन के बीच में? गजब तो। you know, so, uh, है तो। लुक एट वेरी वेरी क्लियरली एंड मैक्सिमम जो आवाजें निकलती हैं भारत में से देना ट्रिलियन डॉलर अरे भाई

कि भाई आप समझाओ मेरे को ये आपकी अपनी किताब में 1922 में सेन जो आपके सो कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन की तरफ से आप उनको बोलते हो ठीक है यू गिव हिम दैट काइंड ऑफ उन्होंने लिखा है 1922 में बुक का नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइना वेर ही इज रिटन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइना यू नीड टू कॉलोनाइज कॉलोनाइज यूनान मलचुरिया तिब्बत सिंगजांग हांगकांग एंड ताइवान तो आपका अपना वो बोल रहा है कि साहब यू हैव टू कॉलोनाइज इट कॉलोनाइज का मतलब क्या आपके हाथ में था मध्य प्रदेश मेरा स्टेट है लेकिन मैं भारत को बोलता हूं भारत शुड कॉलोनाइज मध्य प्रदेश है ना यू टॉकिंग अबाउट सो आई फॉर मी टिल द द टाइम चाइनीज डोंट गेट द स्टोरी राइट आप एक तरफ से बोलते हो हमारा पांच हजार साल पुराना कल्चर है लेकिन वो कल्चर में से आप कुछ फॉलो नहीं करते आप मेरे को दिखा दीजिए चाइनीज ट्रेडिशन की जो वेडिंग्स होती है कहा होती है दस हजार बीस हजार साल पुराने से जो हमारी चीजें चल रही हैं वो आज भी वैसी हैं जो बीस हजार साल पुरानी थी एग्जैक्टली वही द कल्चरल वैल्यूज एंड द वे वी डू स्टफ इज द सेम थिंग उस टाइम पे भी लोग सुबह उठ के वो कॉपर के उसके अंदर सूरज को दल चलाते थे आज हम भी चलाते हैं वही चीज करते हैं हम लोग एग्जैक्टली वही करते सो हमने अपने सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करा चाइनीज़ कॉम्युनिस्ट पार्टी ने देखा यार अगर ये चीजें हम डालेंगे तो हमारी तो लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी तो उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया अपने आप को पार में रखने के लिए so, देखिए आपकी वैल्यू नहीं है। पानी के अंदर एक गुब्बारा बनता है ना सर वो बहुत जल्दी बनता है और फिर पट्टा भी है इट्स वेरी डिफिकल्ट की मैं देखता हूं चाइना को एक फ्रंट रनर में आई डोंट सी दैट और ये तो ट्वेंटी मैं तो अभी भी बोल रहा हूं इट इज नॉट अ फ्रंट रनर इकोनोमी एनी मोर ही हैव द केपेबिलिटी और द मनी टू डू एनीथिंग नहीं है उसके पास हाँ ठीक है आप बोलते रहिए सर उसके पास तीन ट्रिलियन डॉलर वो है आ, रिजर्व है अच्छा जी ठीक है तीन ट्रिलियन डॉलर रिजर्व उनका जरा डेट देख लीजिए आपको पता चल जाएगा कितना उनका डेट है

श्रीलंका में कोई चार पांच बिलियन डुबा दी अब लोग बोलते हैं अच्छा जी आपको ये लगता है वो देखो श्रीलंका का पोर्ट तो उसके पास है अच्छा जी ठीक है जी आपके पास घर है हरिमोहन साहब घर होगा आपने घर बनाया ठीक है आपका बेटा भी उस घर में रहेगा लेट से लेकिन उसको रिपेयर तो कराना पड़ेगा ना जो तो पैसे नहीं है तो रिपेयर कहां से करोगे उसको यू कैन कीप ओनिंग एवरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड बट हाउ डू यू इट

वियतनाम फिलीपींस, मलेशिया देर लीविंग, उनकी जॉब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज आई बिलीव व्हाट 23, 24 ट्वेंटी फोर परसेंट आई मीन अ बिग प्रॉब्लम बंदे है नहीं आपके पास योर 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 पीपल आर नॉट वांटिंग टू गेट मैरिड जो शादी करता है बोलता है बच्चे नहीं चाहिए हमको यू डोंट हैव इट इसके ऊपर टेक्नोलॉजी सारी चुराई हुई है अभी आप बोलते हो ओ एपल बैन कर दो हमारे पास वावे का फोन है हमारे पास नया चिप है अच्छा जी आप उनकी इंटरनल कम्युनिकेशन देखिए अगेन चाइनीज मीडिया में निकली दुनिया में देखते नहीं है वहां पर वावे वाले सीधे सीधा बोल रहे हैं यार मुझे नहीं पता मुझे फोन चाहिए पुरानी चिप लगाओ जो मर्जी लगाओ आई नीड द फोन ऑन तो आप क्या बोल रहे हो आपने नई चिप बना दी

वेरी गुड स्टे देर बहुत अच्छा रहा <coughs> खैर सर बहुत जबरदस्त डिसीजन रहा और डिस्कशन रहा रियलिटी ये है सर अब तक मेरे अपने चैनल पर मैंने जितनों से भी बातचीत की है इस लेवल पर और इस डेप्थ में और इस शालीनता के साथ अब तक डिस्कशन नहीं हुआ है सर Thank और you, इस चीज के, के लिए मैं सच में आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा Thank कि आपने तो एक सिस्टमैटिक वे में हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया इवन हमारे से पहले उस बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो पहले ही आपकी बातचीत में सिस्टमेटिक वे में और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस मामले में खासकर उनके आंसर राइटिंग और सब चीजों में तो सर आज के इस पॉडकास्ट के लिए धन्यवाद सर मुझे ऐसा Thank लगता so है कि you. हमें आपसे सर रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आगे भी हमारे को इस तरीके से टाइम मिलते रहे ताकि हमारा थोड़ा एनवर्टेनमेंट होता रहे था। Thank था। था। Thank so को अभी यही रोकता हूँ